और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज। नमस्कार, मेरा नाम सिरिल चौरसिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी न्यूज। चलिए बात करते हैं जनपद में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिकोण। जनपद के सभी छान थाना क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध वाहनों व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जा रही है। आज दिनांक 28/1/2021 को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ की शिवहरी मीना के द्वारा शहर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्वयं चेकिंग कराई तथा आम जनमानस से यातायात नियमों की कड़ी पालन करने की अपील। देखिए, शाम के टाइम पर घटना दुर्घटना होने की संभावना रहती है, उसी के तहत पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर थाना क्षेत्र में 3 से 4 पॉइंट बनाए गए हैं, एक टीम के द्वारा जो चेक किया जाता है, स्थान बदल बदल कर चेकिंग होती है ताकि अपराध और अपराध के प्रवृत्ति जो प्रतापगढ़ पुलिस है वो कार्रवाई कर सके। इसमें हमें सफलता भी मिली है, कुछ लोगों से अवैध रस्ते बरामद हुए हैं, साथ ही साथ बिना नंबर की बाइक एक्सप्रेस नंबर वाली बाइकों को भी इसमें सीज किया गया है। तो निश्चित रूप से जो सिक्योरिटी प्लान है वो ये है कि पूरे जनपद की सीमाओं को सील करके अपराध के विरुद्ध प्रतापगढ़ पुलिस। आज आप खुद कमांड संभाले हुए हैं, ऐसे में अभी तक कितने वाहन चेक किए गए और कितने चालान हुए हैं? आपको बता दें कि अभी पूरे जनपद का कलेक्टिव डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी भारी मात्रा में लोगों के चालान हुए हैं। साथ ही साथ लोगों को चेतावनी जारी करी गई है कि वो हेलमेट बिना सीट बेल्ट के ना चलें। निश्चित रूप से जो यातायात मार्ग कर रहे हैं उसको